हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मवरी गुरु। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा एम्स यूजी 2020 के स्टडी मटेरियल के बारे में। कौन सी बुक्स आपको चाहिए, कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट होती हैं एम्स की प्रिपरेशन के लिए, कौन से मटेरियल, टेस्ट सीरीज कहां से आपको मटेरियल चूज़ करना है। बेसिकली मटेरियल सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एम्स के एग्जाम में। क्या इंपॉर्टेंट मटेरियल है उसी के बारे में वीडियो है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों एम्स में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके बारे में बताऊंगा कौन कौन से मटेरियल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की बेस्ट बुक फॉर एम्स एग्ज़ाम में। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि बेसिक के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। NCERT 11th और 12th बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं चाहे आप एम्स का। इसके अलावा एम्स एक्सप्लोरर आता है, MTG एडिटोरियल्स वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ बुक है आपका फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, हॉलीडे, रसनिक एंड वॉकर बहुत ही अच्छी बुक है। ये फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बुक अगर आप प्रेफर करते तो आपका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे इस बुक से। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो क्या हैं। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं ओपी टंडन को प्रेफर करता हूँ दोस्तों। मैक्सिमम कैंडिडेट्स इवन टॉपर भी ओपी टंडन को ही प्रेफर करते हैं। NCERT 11th और 12th हमेशा आपके साथ रहनी है क्योंकि बेसिक आपका वहीं से स्ट्रांग होगा। थर्ड बुक है दिनेश की केमिस्ट्री, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कपिल उनके राइटर हैं। इसके अलावा फोर्थ जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर JDLE प्रेफर करते हैं, JDLE से बेस्ट बुक कोई नहीं है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो JDLE अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली आप इनऑर्गेनिक में पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन आता है एम्स में। दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में जो स्टडी मटेरियल्स हैं बेस्ट बुक्स हैं वो हैं ट्रू मैन की बायोलॉजी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। इसी तरह से NCERT 11th और 12th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर SSN और रीजन वाले क्वेश्चन आपके NCERT में लाइन बाई लाइन अगर आपने स्टडी की है तो आपको वहाँ से मिल जाते हैं। दिनेश की ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री भाटिया से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट सीरीज और ये सब पेपर्स के लिए रहेगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, हर का आप प्रिपरेशन करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे, NCERT के अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्लेक्स इशूज़ भी सॉल्व होते जाएंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका क्या प्रिपरेशन है, कैसी तैयारी चल रही है, किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। दोस्तों ये रहा स्टडी मटेरियल के बाद, कोशिश ये कीजिए कि स्टडी मटेरियल जितना ज़्यादा कम होता है उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे क्लियर होते हैं। अगर बहुत कई सारी बुकें एक ही सब्जेक्ट की आप लेंगे तो आप फिर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। बेस्ट बुक्स यही हैं दोस्तों, और स्टडी मटेरियल जितना कम हो, शॉर्ट नोट्स जितना आप बनाएंगे, खुद का नोट्स बनाएंगे वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। इन बुक्स के माध्यम से आपको नोट्स बनाने जरूरी होते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू मवरी गुरु। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।